अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुरजीत ने कहा, गुरु नगरी के आसपास नेशनल हाईवे बन रहे हैं। गुरु नगरी में दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए नेशनल हाईवे बनने से होगा फायदा। फरीदाबाद में इंजेक्शन लगाने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। अस्पताल में गर्भवती के इंजेक्शन लगने के बाद बिगड़ी थी हालत। परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। सीतापुर में शख्स की पीट पीट कर हत्या। मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर चले थे लाठी डंडे। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रख किया जाम। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती के साथ ही थाना सदरपुर के बजरा गांव का मामला। मधुबनी में करंट की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत। बंद इंजन के ऊपर चढ़ गया था युवक। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आकर बुरी तरह से हुआ था जख्मी। इलाज के दौरान हुई मौत। जयनगर रेलवे स्टेशन की घटना। यूपी के कौशाम्बी में शिक्षा विभाग में बड़ा खुलासा। दो महिला शिक्षिका सहित तीन शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे की थी नौकरी। तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दर्ज कराई गई FIR। अमृतसर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों पर लगाम कसने में जुटी पुलिस। कोर्ट खालसा थाना प्रभारी ने 5 चोरों को गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 मोबाइल, 4 एक्टिवा और 1 बाइक बरामद। बांदा में रफ्तार ने ली फिर महिला की जान। बाइक कार में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल, अन्य 5 को आई मामूली चोटें। 1 महिला की इलाज के दौरान मौत। लुधियाना में कांग्रेस की सत्ता वाली नगर निगम के खिलाफ खुद कांग्रेस के पार्षद ही धरने पर बैठे। उनका आरोप, अधिकारी उनके क्षेत्र में ठीक ढंग से पानी सप्लाई नहीं दे रहे जिससे लोग हो रहे परेशान। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस की ओर से भारत नगर चौक में लोगों को कोरोना वायरस महामारी से जागरूक करने के लिए कोरोना नाटक पेश किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम कोरोना वायरस का रूप धारण कर और हेलमेट पहन लोगों को जागरूक करते नजर आए।